नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। 8 करोड़ के गबन के मामले में पुलिस ने करनाल की महिला अधिवक्ता संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एक एनआरआई से लगभग 8 करोड़ के गबन के मामले में कैथल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच के चलते देर रात को 5 साल बाद पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसलिंग से निलंबित महिला एडवोकेट संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला अधिवक्ता को करनाल की एक अदालत में पेश कर 4 दिन का रिमांड भी हासिल किया है। रिमांड के दौरान इस अधिवक्ता से अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। करनाल न्यायिक परिसर के बाहर दोनों पक्षों के वकीलों ने मीडिया से बातचीत की एवं इस मामले में विस्तार से जानकारी भी दी। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। नो डाउट संतोष यादव यहाँ करनाल की एडवोकेट, हमारी वो लॉयर सिस्टर है, बट शी इज अमंग द एक्यूज्ड आउट ऑफ 9 एक्यूज्ड। ये FIR, ये सरदार मुदीप सिंह खड़े हैं कुलवाड़ी से, इनकी रियल नीस की कंप्लेनेंट है और ये उसके GPA है। वो जो इसमें मरने वाले सरदार HSC राणा थे, वो इनकी बुआ जी के लड़के थे और वो ब्रिटिश नेशनल थे और वहाँ वो ऑटो के इंजीनियर थे। वहाँ से 25 करोड़ रुपए कमा के अपनी वाइफ के साथ 2011 में वो इंडिया आए। हो सकता है मेरे लाइफ दोस्त चोपड़ा जी ने पूरे फैक्ट्स या पढ़े नहीं या इनको बताए नहीं गए। ये इनकी बात कहना बिल्कुल निराधार और गलत है। FIR जो दर्ज हुई शुरू में, ओरिजिनली FIR, उस FIR को किस वजह से, किस कारण से, आई डोंट नो, उसको फाइल करने की कोशिश की गई थी, परंतु वो DGP साहब की इंटरवेंशन से उसी FIR में, कोई दोबारा दरखास्त नहीं आई, उसी FIR की दोबारा इन्वेस्टिगेशन चलते हुए, और इन्वेस्टिगेशन में जब इनके खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेज पाए गए, उसके आधार पे आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके यहाँ पेश किया है और 23 तारीख तक का पुलिस ने रिमांड दिया है। और इसमें अकेली संतोष यादव वकील, हमारी बहन संतोष यादव ही मुलजम नहीं है, इसके अंदर 9 मुलजम है। बैंक मैनेजर भी है, बैंक मैनेजर की वाइफ भी है, और जो उनकी उस टाइम CA होती थी लड़की, वो भी मुलजम है, और उसके साथ साथ और एक हमारे वकील साथी हैं अपना पवनदीप भी एक्यूज है, उसकी मदर भी एक्यूज है, उसकी सिस्टर भी एक्यूज है, इसके अंदर 9 एक्यूज हैं। और ये 25 करोड़ रुपए में से, मैं नटसर में आपके नोटिस में दे दूं कि 2 बैंकों में उनका अकाउंट था। जब से कुछ लोग ये इनके नज़दीक आए, उसको किस तरीके से, क्योंकि वो 88 ईयर्स ओल्ड मैन था, फीबल सेंसिस थी एट द स्टेज, और उस अमाउंट को 18 बैंकों में ट्रांसफर करा के और उसकी डिफरेंट FDs बनवा के और उसकी धोखाधड़ी से तहसील के अंदर GPA भी करा के, और ये बड़ी स्ट्रेंज है कि GPA का बड़ा रजिस्टर्ड विल के बारे में जो उसके जिसको उसके बारे में उसका अमाउंट या कोई भी प्रॉपर्टी जानी है, वो उस विल को ना लिख सकते ना कुछ, और उसमें इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, संतोष यादव इज द एग्जीक्यूटर ऑफ दैट विल, और बेनिफिशरी कौन है, उसकी दो जो CA थी, एक दिल्ली में और एक ये करनाल में, और दिल्ली वाली जो उसकी बेनिफिशरी वो थी CA, वो करनाल कोर्ट में आके अपना एफिडेविट और बयान देगी, ये जी मुझे ना कोठी में सच्चाई है, ना मेरा कुछ, मेरा कोई लेना देना नहीं इनसे। उस शरीफ आदमी के जो यहाँ हिंदुस्तान में आया था कि ये मेरी वतनी जमीन है, यहाँ आके बुढ़ापा में अपना गुजारूंगा, और किस तरीके से उससे लगभग 6 करोड़ के करीब रुपया हड़प कर लिया, और हड़प सारा ही होता पर वो तो टाइमली हाई कोर्ट में पटीशन फाइल की गई, माननीय हाई कोर्ट के आदेश से 14 करोड़ के लगभग पैसा वहाँ वापस इंग्लैंड चला गया, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी संतोष यादव और पवनदीप जी ने, इन दोनों ने LPA फाइल की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट DB बेंच ने, जस्टिस महेश ग्रोवर जी उस बेंच में हेड थे, और उन्होंने वो लिमनी में डिसमिस करके बकायदा इनको वहां पर कोर्ट के अंदर अब्यूट किया गया। तो अब सर चार दिन का रिमांड लिया गया है, आज 4 दिन का रिमांड पुलिस ने लिया है, और पुलिस उसमें जो अपनी जो फॉर्मेलिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज, अमाउंट की रिकवरी के बारे में,
और दूसरा और भी है वो सारे। तो इनके पति भी आरोपी हैं इसमें? इनके पति सतपाल जी भी आरोपी हैं। तो वो फरार चल रहे हैं? टोटल नौ एक्यूज है, ये पुलिस को पता हो। टोटल टोटल कितने लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया? अरेस्ट किया गया नाइन, अरेस्ट कितने हैं? नाइन के खिलाफ एफआईआर है। आज पहला संतोष यादव सर, जिस तरह से एक मुहिम भी चलाई गई थी कि जो कैथल पुलिस है मामले की जांच ठीक से करे, क्योंकि करनाल पुलिस हुई थी जिसको कैंसिल कर दिया गया था, उसके पश्चात कंप्लेंट द्वारा एक और एप्लीकेशन दी गई थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया था प्रॉपर इंक्वायरी के बाद। ये थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर हुई। यहाँ पर जब कोई ड्रग्स नहीं निकले तो ये आईजी साहब ने इसको कैथल ट्रांसफ़र किया था। कल सुबह 9:30 बजे इसको गिरफ्तार किया गया, आज पेश किया गया। हमने माननीय अदालत को पूरे तथ्य बताए हैं, लेकिन उन्होंने तथ्यों में को आधार पर रखते हुए फाइल का अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायाधीश ने ये आदेश दिया है कि इनको 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का वर्षन है कि उन्होंने करनाल से, सोनीपत से व गुड़गावा से कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। जबकि मेरा कहना ये है कि पिछले लगभग 2.5 साल से ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुके हैं, सारे तथ्य जो हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, बैंक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, विद इन द नॉलेज हैं, और विद द जो प्रोसिक्यूशन है उसको सारा नॉलेज है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिमांड ये रिमांड लिया गया है, क्योंकि डिस्टेंस की दूरी बताई गई है, कोरोना का हवाला दिया गया है। हमने माननीय न्यायाधीश को ये कहा है कि जो अक्यूज्ड हैं इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, और साथ में इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कोई वकील जो भी अदालत चाहे वो साथ में होना चाहिए, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वो कहते हैं इस ऑर्डर की वेट करो, और उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर के तो इन पर महिला पर जो है जो एडवोकेट है संतोष यादव, इन पर आरोप था कि एनआरआई बुजुर्ग से जो है ठगी की गई है, कुछ पैसे की ठगी की गई है, पैसे का फ्रॉड किया गया, वो क्या मामला था? अगर पैसे की ठगी की गई होती तो जो मरहूम राणा जी थे वो 1.5 साल तक अपनी लड़की के पास यूके में रहे, ना तो उन्होंने यूके में कोई एप्लीकेशन मूव की, ना ही उन्होंने इंडिया में कोई एप्लीकेशन ऐसी मूव की कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। अगर कोई फ्रॉड हुआ होता तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन सरकार को, पुलिस को या किसी उच्च अधिकारी को देते, उन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ये उनकी डेथ के बाद जब वो हुआ तो जब ये राणा जी और इनकी पत्नी लंदन में अपनी लड़की के पास गए तो उन्होंने मिसबिहेव किया। मिसबिहेव होने के पश्चात वो वापस इंडिया आए, उन्होंने एक विल भी लिखी है कि मेरा मेरी लड़की के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ मिसबिहेव करती है। अंडर द गार्ब ऑफ कोई रिलेशन है वो इनकी प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहते हैं। अब जो कानून के मध्य तो चार दिन का रिमांड लिया, आपका नाम सर? बार ने लाइसेंस भी कैंसिल किया दोनों पति पत्नी को? बार ने कैंसिल नहीं किया, ये बार काउंसिल ऑफ हरियाणा ने कैंसिल किया था। और जो एप्लीकेशन जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि वो कोरोना जब खत्म होगा तो उसको बार काउंसिल में दोबारा दिया जाएगा, क्योंकि केसेस के ऊपर अगर बार काउंसिल लाइसेंस कैंसिल करने लगे तो मेरे हिसाब से पंजाब हरियाणा में सैकड़ों की तादाद में केसेस होंगे, तो वो गलत तथ्यों के आधार पर उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। लेकिन कोरोना करके, क्योंकि बार काउंसिल की मीटिंग नहीं हो रही, जैसे ही वो बार काउंसिल ये कोरोना से बाहर आएगा, बार काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि ये लाइसेंस जो है वो गलत तरीके से कैंसिल किया। आपका नाम सर? ललित चौक। तो इस समय रणवीर सिंह जी हमारे साथ, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सतपाल जी का ना तो हमें कोई पता है, क्योंकि ये सुबह 9 बजे के करीब पुलिस टीम उनके घर पहुंची थी और इनको 9:15 बजे के करीब गिरफ्तार करके ले गई थी। कल 4 बजे तक भी हमने कोर्ट में वेट किया था, तो आईओ साहब अदालत को ये कह रहे थे हम आ रहे हैं, लेकिन 4 बजे फिर 3 बजे तक अदालत का टाइम होता है, तो फिर 3 बजे के बाद कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक? सिर्फ एक ही गिरफ्तारी, 465, 471, 120 भी। तो इस समय शिकायतकर्ता के जो एडवोकेट उन्होंने किया है, नौ आदमियों ने लग के ये गलत किया है और सर गलत किया है और मेरे भाई को मारने की कोशिश की थी। तो कुछ और धाराओं में भी चाहेंगे कि मामले की जांच हो? कुछ और धाराओं में भी चाहेंगे मामले की जांच हो? पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जो इनकी बेटी है इंग्लैंड से, क्या उनकी कोई तैयारी है? पिछले दिनों बात चल रही थी कि वो भी आ सकती है भारत में और आकर मिलेगी अधिकारियों से। अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर आएगी। जैसे भाई साहब ने बताया, शी इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त कोरोना करके उनका बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.